हो सकता है 10 विकेटें हाथ में है, बॉल गीला भी हो रहा है, बट आई सपोज क्रेडिट टू इंडिया, इंडियन बॉलर्स, प्रेशर रखा बांग्लादेश ने, मगर विकेटें गिरते गई और विकेटें गलत तरीके से शॉटें मारते रहे, छोटी बाउंड्री को उन्होंने देखा नहीं, तरीके से मारी नहीं हिटिंग, अगर वो सोच समझ के हिटिंग करते, टैलेंट है उनमें, बट जब भी ऐसा क्रंच मैच आता है ना, वहाँ पे बांग्लादेश सम हाउ दे क्रम्बल. Yeah. But in the end, it was a good cricket game. Well done to India. Virat Kohli got 60 odd. और जब वो तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आगे आप वीडियो देखेंगे और आपको इसी तरीके की बकवास सुनने मिलेगी. आपको पता है ये जो मैच हुआ है इसको लेकर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के ही स्पेशली ट्विटर हैंडल इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मैच बहुत जल्दी चालू करवा दिया गया, गीला मैदान था, ये वो, बॉल गीली होने के बाद भारी होती है जिससे हिट करने में प्रॉब्लम होती है. ये क्रिकेट सेंस है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का. पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो लगभग 30 साल से क्रिकेट खेल चुके हैं, 30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तक इस तरीके की बकवास कर रहे हैं कि आईसीसी जानबूझकर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, ये और वो, चलो अच्छे कर रहा था, कर लो जो कुछ करना है. अब इनको क्या रिप्लाई दें? इनको यही बोल सकते हैं कर लो जो करना है, कर लो जो उखाड़ना है उखाड़ लो. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. मैं मिलता हूं आपको वीडियो में. बारिश गलत टाइम पे आई और अगर आई तो फिर आती चली जाती, तब भी उनके लिए उनकी दुआ ये थी. और इस तरह के मैच में होता ये है कि जब आप एक अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो एकदम बारिश आ जाए और आपका एक वो रिदम भी एक तो टूटता है पहली बात, और दूसरी जो फील्डिंग टीम होती है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू रीगैदर एंड सी के हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं गलत कर रहे हैं. और जो बैटिंग टीम होती है, बिकॉज दे हैव डन सो वेल इन दैट पीरियड, सो दे जस्ट सॉर्ट ऑफ काइंडली काइंड ऑफ रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज एट दैट स्टेज नॉट ओनली ऑन DL बट दे वर ओवरऑल विनिंग दैट गेम, दे वर इन कंट्रोल ऑफ दैट गेम. बट वो बारिश अगर 20 मिनट और हो जाती तो ये मैच खत्म हो गया था. बट यू नो दैट्स हाउ दिस गेम गोज. एंड देन यू नो वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेरी थॉटफुल बॉलिंग बाय इंडिया. या वेरी थॉटफुल बॉलिंग बाय इंडिया. मिस पा, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू. बिफोर द रेन बांग्लादेश वाज 66 फॉर द लॉस ऑफ नन इन 7 ओवर्स. आफ्टर द गेम दे वर 79 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन 9 ओवर्स. This is what Vakar was saying, momentum broken, the whole thing changed and on its head. 9 overs mein 85 chahiye tha aur aapke paas 10 ki 10 wickets thi. I think the biggest problem throughout the tournament Bangladesh ki chal rahi hai wo yahi hai ki unki batting form mein nahi hai. Pichle match mein bhi ek Shanto ne sirf 70 plus runs kiye, dusri taraf se bilkul koi run nahi hue aur Shakib ki jo form hai with the bat, that is a big concern for them. Aaj bhi एक बंदे ने रन्स किए हैं और इतना वो क्लोज आ गए हैं, दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई. स्पेशली मेरे ख्याल में शंटू बीइंग द मैन ऑफ द मैच इन द लास्ट गेम, टॉप स्कोरर, आज उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है 25 बॉलों पे 21 रन्स. थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन करते, थोड़ा सा वो लोड थोड़ा सा वो हल्का करते लिटन दास का, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन डिफरेंट. कई दफ़ा होता नहीं बैट्समैनों को, आई सपोज स्पेशली यू नो शांतो हैज बीन विद द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो नहीं होता साइकोलॉजिकली कि मैंने 160 कर लिया, आई कैन जस्ट प्ले यू नो, आई कैन प्ले यू नो रिलैक्स क्रिकेट. बट वो यूजली प्रोफेशनल लेवल पे होता नहीं है, ऑपोजिट होता है अफेक्ट कि मैं अगले मैच में भी 70 करूँ. मुझे ये लगता है वसीम भाई, जो शांतो आज थोड़ा सा वो हुए ना 25 बॉलों पे 21 जो रन्स किए, उनके सामने बाउंड्रीज लग रही थी. लिटन दास वाज प्लेइंग अमेजिंगली. तो समटाइम ऐसा होता है कि थोड़ा आपका जो स्ट्राइकर है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा जैसे लिटन दास था, वो उसको शायद कह रहा हो कि मेरी शॉट्स लग रही हैं तो okay. मुझे स्ट्राइक देते रहो, मैं खेलते रहता हूँ, अगर मैं आउट हुआ देन यू टेक ओवर. तो ये हो सकता है. समटाइम मैनेजमेंट से आपको मैसेजेस आते हैं, आप ये कहते हैं कि चलो ये अच्छा स्टार्ट है, विकेट ना गिराओ तो कोई मसला नहीं है. मुझे ये लगता है मलिक, उसने ना एक टाइम पे वो 11 गेंदों पे 2 रन थे उसके, तो ये मसला मैं आई कैन अंडरस्टैंड के जो वो एक बंदा मार रहा शॉट है दूसरा, उसी बात लेकिन उससे रोटेशन स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं. उसी चीज पे आ रहा हूँ विकी भाई, ये ऐसा फॉर्मेट है एंड वंस यू चेजिंग 180 प्लस, सो जो ये लिटन दास थे, अगर तो उन्होंने उनको ये बोला है कि तुम जो है थोड़ा आहिस्ता खेलो, तो वो ये गलत है क्योंकि हर बंदे की अपनी गेम है. मोमेंटम को गिरने नहीं देना, क्योंकि मोमेंटम चलते हुए अगर आप आउट भी हो जाएं और जब अगला बंदा आता है उसके लिए आसान हो जाता है कि वो सेम मोमेंटम को जो है कंटिन्यू करे. मुझे लगता है कि जहाँ पे वो बिल्कुल गिरे हैं ना, वो गिरे हैं शाकिबुल हसन, अफीफ हुसैन और यासिर अली, 13-3-1.
इनमें से भी अगर को थोड़ा सा साथ देता, पार्टनरशिप लगती, तो मुझे लगता है कि ये मैच बांग्लादेश जीत सकता था। लेकिन ये है कि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए, बेशक एक बैट्समैन के रन्स बन रहे हो, दूसरे का भी काम है, जो उसका गेम है वो खेले। ये तो बात जरूर है। लिटन दास ने आज बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है, और अगर आप देखें वे ऑलमोस्ट लुक्ड शोएब दैट ही वाज लाइक सूर्य कुमार यादव यू नो फ्रॉम द बांग्लादेशी साइड टुडे, ही लुक्ड मैग्निफिसेंट। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी शोएब। बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि आज उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको ओपन करवाया, वरना वो तीन नंबर खेल रहे थे। उनकी शॉट्स देखें, हर तरफ खेल रहे हैं और बॉल के मेरिट पे खेल रहे हैं, इसीलिए आपको सक्सेस मिल रही है एज अ बैट्समैन। के ये कंडीशंस में थोड़ा बाउंस है, थोड़ा बॉल हिल रहा है, लेकिन उन्होंने चारों तरफ खेला, इसीलिए आप देखें कि मोस्टली हमें बैट्समैन वही रन्स करते हुए नज़र आ रहे हैं जो जहां का बॉल है उसको वहां खेल रहे हैं। तो आई गेस ये बाकियों के लिए भी एक अच्छा जो है चीज़ है कि जहां बॉल आ रहा है आप उस तरफ खेलो, और सबसे ज़्यादा चांस ही पहले तीन बैटर्स के पास होता है क्योंकि उनको मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है। यप, स्कोरिंग ऑल अराउंड मिस्बा, वेरी गुड वैगन व्हील फॉर लिटन दास। बहुत ज़बरदस्त खेले हैं मेरे ख्याल में, एक ऐसा स्टार्ट दिया उन्होंने जहाँ पे बहुत बड़ा टोटल था। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश अब उन्होंने गेम को सेट कर दिया है, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन और छोटी छोटी पार्टनरशिप्स भी में भी ये मैच ले जाएंगे। अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया में जो हम देख रहे हैं कि आपको नए बॉल पर इशू हो रहे हैं, नए बॉल पर रन नहीं बन रहे, पावर प्ले उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो रहा फॉर द बैटिंग साइड्स। जब आप विदाउट लूजिंग इतना बड़ा स्कोर कर देते हैं पावर प्ले में, उसके बाद मेरे ख्याल में बांग्लादेश अब बड़ा बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए कि मैच को फिनिश नहीं कर सके, जीत नहीं सके। बहुत बड़ा एक चांस था उनके लिए क्वालिफाई करने का, अगर आज वो जीत जाते, और पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल में बड़ा चांस था उनके जीतने से। पर वही चीज़ है, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में जो आके जो गलती की है उन्होंने, कि जब आप 10 रन ओवर देखते हैं और आप हर बॉल पर बाउंड्री मारने जाते हैं, देन यू आर इन ट्रबल इन ऑस्ट्रेलिया। अपोजिशन को पता है, फिर विकेट्स भी गिरती हैं और सडनली उसमें डॉट बॉल्स होती हैं। और मेरे ख्याल में वो जो शाकिब और जितने भी बाद में लोग आए, एक बाउंड्री मारने के बाद भी आपके 3-4 बॉल डॉट हो जाते थे। ऐसे यही मेरा गलती हुई है, अगर 7 वो गैप्स में मार के दौड़ के भी रन करते रहते तो लास्ट में भी नूरुल हसन ने 2 गेंदें डॉट हुई हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि वो कितना छोटा मार्जिन रहा है एंड पे आके। वसीम, अर्शदीप इज बिकमिंग यू नो मोर पॉलिश्ड बॉलर ऑपरेटर विद एवरी गेम। आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर उन्होंने कराया जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, 2 विकेट्स भी नहीं, एंड दैट वाज परहैप्स अ चेंजिंग द टर्निंग पॉइंट फॉर दिस गेम। या इट वाज, ही गॉट 9 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, द मोस्ट बाय एनीवन इन सुपर 12। और उसका टैलेंट मैंने और वकार ने तो एशिया कप में देख लिया था कि जिस तरीके से वो बॉल को स्विंग करता है, नया बॉल दोनों तरफ, मैंने तारीफ सुनी होती इसकी कि IPL में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। सेंसिबल बॉलर है, यू नो यॉर्कर भी अच्छा कर लेता है, स्लो बॉल भी अच्छी है और नया बॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्विंग करता है। ये 2 विकेटें जो ली है एक ओवर में, इसमें से 2 रन दे के मैच का 5 सा पलटता है। बिल्कुल चीज़ है वसीम, इनके केस में कि अगर हम देखें तो एशिया कप में बड़ी क्रंच सिचुएशन में इन्होंने रन्स भी दिए, एक आधा कैच भी बड़ा क्रूशल गिराया उन्होंने, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं नीचे गया, दैट्स व्हाट मैटर्स। कि आपसे खराब परफॉर्मेंस होगी, लेकिन कभी भी आप ये ना भूलें कि आप अपनी एबिलिटी से आए हुए हैं टीम में। इंडिया में इसको सोशल मीडिया पे उड़ाया गया है, बट ही सेड आई एम नॉट बॉदर्ड। ये एटीट्यूड बड़ा जरूरी है। क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट एज वेल, कि दे बैक्ड हिम। Even credit goes to the captain also, के they backed him। उसको पता है कि यार ये हमारा बंदा है, इससे मार भी पड़ेगी, इससे कैचेस भी ड्रॉप होंगे, लेकिन ये है कि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है और हम इसको बैक करेंगे, और वही देखें आप उसके रिजल्ट। इज द फ्यूचर, इज द फ्यूचर, दैट्स व्हाट दे कंसीडर हिम, कि ही इज गोना बी द नेक्स्ट गुड थिंग, बिकॉज़ ही स्विंग्स बोथ वेज, स्विंग्स बोथ वेज, एंड टेस्ट मैच में भी दे गोना प्ले हिम सून, एंड I think he's 140 plus करता है, you know, handy cricketer। नया बॉल तो बहुत आला, दोनों तरफ वो कितने कंट्रोल से, रैली रुसो को उस दिन जिस तरीके से आउट किया वो तो है ही, बट एंड के ओवर्स में स्पेशली जो स्ट्रेंथ है, जो स्टंप्स का यॉर्कर है, वो बहुत। आज भी अगर आप देखें 6 के 6 बॉल आखिरी ओवर में, सिवाय पहला बॉल जो उन्होंने पीछे किया, यॉर्कर अंडर प्रेशर भी मिस नहीं हुआ कोई भी, कि वो फुल टॉस हो जाए या कोई इधर उधर प्रेशर में आपसे हो जाता है। मैंने एशिया कप में भी देखा है कि जब दो डिफरेंट बॉल करने जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन विक्टो वाला यॉर्कर बहुत पक्का है उनका एंड के ओवर्स। ये बिल्कुल आखिरी ओवर जो है का मैच देख रहा था एशिया कप में, ये इनका लास्ट ओवर है, एक ही ये जो बॉल था उन्होंने
फौरन रियलाइज किया कि नहीं अब गुड लेंथ वाला कोई सीन नहीं है, गुड लेंथ वाला जो है वो बॉल जा रहे हैं, और वैसे भी साइड की जो बाउंड्रीज थी छोटी थी, तो उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि फुल बॉल्स जो हैं वो यहाँ पे बचा सकेंगे, और बहुत अच्छा ओवर था। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था एशिया कप में, फर्स्ट वाला मैच, तो ये इसलिए मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। रोहित ने उनको कहा, बीइंग अ कैप्टन, के लास्ट के ओवर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मिड विकेट पीछे ले जाएं, तो उसने रोहित को कहा कि नहीं रोहित भाई मुझे यही रहने दे फील्डिंग। तो मतलब ये था कि अगर यंगस्टर हैं, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एग्जीक्यूशन में आपके प्लान में, तो आप कैप्टन के साथ डिस्कस करें और उसे बोले कि नहीं मुझे ये वाली फील्डिंग चाहिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कई दफ़ा बताते हैं यंग बॉलर्स को, आई डोंट नो सब कॉन्टिनेंट में है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जनरली, बट जनरल बात कर रहा हूँ, कप्तान अब बॉलर को हर बॉल पे कहेगा अब तू स्लो कर दे, अब तू बैक ऑफ हैंड कर दे, तो बॉलर भी कई दफ़ा, अगर फास्ट बॉलिंग कप्तान है तो वो आई कैन अंडरस्टैंड, बट बैट्समैन बैटिंग कैप्टन टेलिंग द बॉलर व्हाट टू डू ऑन एवरी बॉल, इसका मतलब है कि बॉलर के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता टू डिसाइड हिमसेल्फ व्हाट ही वांट्स टू डू। वो यू I'm just going to interrupt here. We're going to go into a break here on the Pavilion. When you come back, we'll be more talk on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhri Alam. You're watching Sports 10 Sports and the ARYZ app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And kuch din pehle aapne dekha match India Bangladesh ka. India ne match jeeta hai. Uske bare mein hum baat kar rahe the. Break pe jaane se pehle Wasim Akram ne ek sawal kiya tha. Shoaib Malik, aapse wo baat kar rahe the. Young player ko, kaptan ki baat, conversation uske bowlers ko us pe. Usme ye hai Wasim bhai, aapka question bahut acha hai. Ab thoda sa lamba jawab hai. Wo ye hai ki jab aap step by step aaye ho na proper system se, as a bowler ho ya as a batter ho, तो उसमें क्या होता है कि आप सारी सिनारियोज़ में से गुजरे होते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, तो आप प्लान बना लेते हो आप नहीं वो अंदर। लेकिन अगर आप बिल्कुल रॉ टैलेंट के साथ आप उसको नेशनल टीम में खिला रहे हैं, फिर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए आ जाती है कि उसकी गेम अवेयरनेस कम होती है, तो कैप्टन का रोल ज़्यादा आ जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ डिफरेंट वो ये है कि आपको बॉलर को छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट उसको ये पता हो कि यार मैंने कौन से बॉल करने हैं या कौन मेरे सामने बैट्समैन खेल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो उसको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सम टाइम जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या होता है, कैप्टन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, पाँच छः बंदे आ जाते हैं ना जब क्रंच सिचुएशन पे। वो सिर्फ सिंपल है कि आप कैप्टन को मशवरा दें, और कैप्टन के पास भी ना पाँच छः लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक आधा बंदा होना चाहिए, उससे ये है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आती और रिजल्ट अच्छा आने का चांस ज़्यादा होता है। सेम थिंग आई थिंक, मैं उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताऊंगा। इस्लामाबाद में ही मैंने, इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ यंग बॉलर्स भी थे और फिर मोहम्मद समी था, तो दैट बेसिकली वर्क वेरी वेल फॉर मी, कि मुझे ये होता था कि मैं उनके साथ खड़ा होकर उनसे पूछता था, हमेशा कोशिश करता था कि इनको सोचने दूँ, इनका अपना प्लान, अपनी स्ट्रेंथ कि क्या करने लगे हो जस्ट बिफोर द बॉल, और उनकी ऑप्शन अच्छा ये ऑप्शन है, ताकि मैं देखूँ कि फील्ड उसके मुताबिक ठीक है, इस उस पर ठीक है, इस पिच के लिहाज से, इस बैट्समैन के लिहाज से, एंड देन इफ़ दे आर अंडर प्रेशर, जैसे मलिक ने कहा, तो देन यू हैव टू बेसिकली टेक दैट प्रेशर, उनको इनक्रेज करना है कि अच्छा कोई बॉल अगर कराना है ना, तो उसको फिर कहना है कि कोई मसला नहीं, अगर छः भी लग जाएगा नेवर माइंड, वो छक्का मेरी जिम्मेदारी है, यू जस्ट गो एंड डिलीवर बेसिकली, ताकि वो एग्जीक्यूट करते हुए उसको कोई उसके डाउट ना हो दिमाग में। क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन, अब जैसे पाकिस्तान अंडर 19 की एग्जांपल दे सकते हैं, हम पाकिस्तानी अंडर 19 बनती है फॉर इंस्टेंस, कप्तान होता है उसका, जो मैंने सुना है नॉट जस्ट नाउ जनरली, कि जो भी कोच या मैनेजर होता है उसको कप्तान नहीं करने नहीं देता, उसको पहले से बाहर से बताते हैं ये बॉलर चेंज कर दो, ये कर दो, तो कप्तान कैसे इवॉल्व होगा, हारने से हम क्यों डरते हैं? देखिए उसी में अभी जो PGL हुई है, पाकिस्तान जूनियर लीग, मैं जिस टीम का मेंटोर था गुजरांवाला का, उसके कोच थे इजाज भाई, और मैंने इजाज भाई को देखा कि इजाज भाई ने कभी भी मैच के अंदर नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, हाँ हमेशा उससे बात की कैप्टन से जब मैच ख़त्म हो गया या मैच से पहले, दूसरा ऑपोजिशन को देख के कि यार इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं,
तो आई गेस वो आपकी बात बहुत सही है कि जो सीखने वाला प्रोसेस है, जब तक बंदा अकेले उसमें नहीं जाता ना, तो उस सीखने का चांस बहुत कम हो जाता है. तो आई गेस हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे कोचेज हैं कि जो मैच से पहले या मैच के बाद जो है अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं. लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बंदे को छोड़ना चाहिए. जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स हमें ये होता है कि नहीं यार, बच्चा स्कूल गया तो वहाँ से सीख के आएगा. तो इस केस में भी आई गेस सेम जो है सोचना चाहिए. ऑलराइट, विराट कोहली बिकेम हैज अनदर रिकॉर्ड फॉर हिमसेल्फ टुडे. अगेन लुक रियली गुड व्हाइल ही वाज बैटिंग. और आज की इस इनिंग्स के बाद ही इज बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री. और यू नो विद 220 रन्स ही इज नाउ द लीडिंग रन गेटर इन ऑल द T20 वर्ल्ड कप 2022. राइट तो दोस्तों, ये वीडियो यहां पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है. लुक रियली गुड, ये स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको. ही प्लेड रियली वेल. मैच में आती है बारिश, बांग्लादेश के सेकंड इनिंग के 6 ओवर पूरे होते हैं, इवॉल्विंग कंसिस्टेंटली. बीच में थोड़ा सा बैड पैच आया था, बट नाउ इज लुकिंग यू नो सुपर. कारण होता है कि बांग्लादेश प्लेयर पे बैड पैच आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. और जिसकी टेक्निक सॉलिड और अच्छी हो, पागल हो जाते हैं कि बस पाकिस्तान अब क्वालीफाई कर गया. ये बहुत जल्दी निकल गया. साउथ अफ्रीका को भी मेरे बांग्लादेश को थोड़ा इसने ज्यादा टाइम ले लिया. वैसे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनी वे बड़ी तगड़ी होती है. स्टार्टिंग में लिटन दास स्लिप हुआ था. इज एन अमेजिंग क्रिकेटर और टीम को भी लिफ्ट ने और वो रन लेने के टाइम पे स्लिप हो गया. उसकी जो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा, फिर सेकंड वो से दो रन लेने के चक्कर में वो आउट हो गया. खेलते हैं इवन विद इन द टीम. आई थिंक देयर लॉट ऑफ मतलब गेम का मेन टर्निंग पॉइंट वही था. अवे एंड प्ले फॉर अदर इसको लेकर ऐसा भोगना चालू हुआ, ऐसा भोगना चालू हुआ कि इवन ग्राउंड खेलने नेशनल टीम प्लेयर्स दे गो एंड अगर ग्राउंड खेलने लायक ना होता तो उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बॉल फेंकी, कितनी फील्डिंग. जिस किस्म की वर्क एथिक्स है, उसके बाद वो वाइट मांग रहा है, दोनों में अलग है. ये लोग क्या पागल हो चुके हैं. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है.